अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो, मरोड़ो, काटो या कुचल दो, आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। सबसे बेहतरीन नज़र तो वो है जो अपनी कमियों को देख सके। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। मिट्टी से आए हैं मिट्टी पर, फिर मिट्टी में ही है समाना, जब हकीकत यही है तो भला किस बात पर इतना इतराना। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीज़ों का ही प्रयोग करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। नेक इंसान बनने के लिए वैसी ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फरफराते हैं, तरक्की के बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। हंसने की इच्छा ना हो तो भी हंसना पड़ता है, कोई जब भी पूछे कैसे हो, मज़े में हूँ कहना पड़ता है। जिंदगी के रंगमंच पर हर किसी को नाटक करना पड़ता है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर हिंसा नहीं छोड़ सकता। आँखों से दूर दिल के करीब था, मैं उसका और वो मेरा नसीब था, न कभी मिला न कभी जुदा हुआ, रिश्ता हम दोनों का कितना अजीब था। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना इंसान उलझा है अपने बुने ख्यालों में। गुनहगार सिर्फ बुरे लोग ही नहीं होते, अपनों के गुनाहों पर पर्दा डालने वाले या उनको बचाने वाले उनसे भी अधिक गुनहगार होते हैं। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़ियां कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो दिल की बात कह दीजिए, बहुत खामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। जिंदगी तो उसकी है जिसके मरने पर जमाना अफसोस करे, वरना जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर करती है। इंसान को परखने की एक ये भी निशानी है, बातों का तरीका ही बता देता है कि कौन खानदानी है। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, कहीं धोखे में आंखें हैं और कहीं आंखों के धोखे हैं। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं फिर बहुत फर्क पड़ता है। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, सफलता पाने के लिए अपने दोनों पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे असल में मूर्ख है कौन। ये दुनिया है जनाब, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं।
किसी भी व्यक्ति की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। पर नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, और ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती।